हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, अभी हम लोग चल रहे हैं शिव महापुराण कथा में। हमारे यहाँ प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं, तो चलिए आप लोग भी साथ में और चलिए भक्तिमय हो जाते हैं आज के दिन और शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं और अभी पार्किंग साइड में है, क्योंकि बहुत लंबी पार्किंग है देख सकते हैं और गाड़ी इधर से ही खड़ी हो गई है। तो अभी हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को अलाउ था, क्योंकि हम लोग विभाग वाले हैं तो स्टाफ से हैं, तो थोड़ा सा मिलता ही है, हमें छूट मिलता है आगे तक जाएं। और देखिए, अभी आगे तक जाएंगे क्योंकि पार्किंग तो इधर ही है, इधर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, बहुत लोग देखिए किए भी हैं, लेकिन हम लोग अभी अंदर जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, बहुत भीड़ है। प्रवचन स्टार्ट होने जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी का। मम्मा, पहले आप हाथ हटाइए तो। आप भी लगवा लीजिए, आप भी लगवा लीजिए। देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। फ्रेंड, जिसको जहाँ जगह मिला है वही बैठ गया है और देखिए कितना कीचड़ से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कीचड़ है अभी फिलहाल और लोग इसी कीचड़ में प्लास्टिक बिछा बिछा के बैठे हुए हैं। Thank you.
कीचड़ कीचड़ है फ्रेंड, देख सकते हैं इसी में लोग बैठे हुए हैं और सब भोलेनाथ की महिमा है। ए कीचड़ में क्यों फैला रही, आराम से चल, अच्छा लग रहा है तुमको। तो हमें गेट नंबर 2 पे पहुंचना था, भीड़ से होते हुए हम लोग निकल चले हैं गेट नंबर 2 पे पहुंचने के लिए, और बच्चे हैं साथ में और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे थे फ्रेंड, क्योंकि प्रवचन अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, पंडित जी भी आने वाले हैं, तो अभी चल रहे हैं फ्रेंड, चलिए आप लोग भी। तो देखिए अभी प्रदीप मिश्रा जी आ गए हैं, प्रवचन स्टार्ट होने वाली है, हम लोग फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड, चलिए आप लोग भी जल्दी से चलते हैं। कई लोग ऐसे थे जो अभिषेक नहीं कर पाते थे किसी कारण से, पैसे की कमी के कारण या किसी भी कारण से अभिषेक नहीं कर पाते थे, और भगवान भोलेनाथ का पार्थिव चप्पल का अभिषेक। जय भोलेनाथ। भाग्यशाली है आप लोगों के साथ में, कई पवित्र श्रावण महीने में भगवान कृष्ण की पवित्र कथा का नाम है। जो तो ना तो मारा था, देख मारा था, देख मारा था। छत्तीसगढ़ शासन के निरंतर छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी फेलिंग पर तकलीफ हो गई, दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको एक गांठ हो गई। अब ऐसी स्थिति में करें तो करें, हम आपको सुनते नहीं करते, हम आपको जानते भी नहीं, पर किसी ने आपकी कथा हमको मोबाइल पर दिखाई और दिखाकर आपका चेहरा दिखाया और दिखाकर भाई ये महाराज को टीवी पर कथा सुना कर बेटी की स्थिति देखकर हमारा दिल बहुत टूटा था। करें तब और हमने बाबा से बस केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा इसके गठान हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, बस आप कृपा कर लो ऐसे की ये गठन कल जाए, ऐसी कृपा कर लो गुरुदेव। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज इस देखिए बहुत सारे भीड़ है, प्रवचन हम लोगों ने सुन लिया है, प्रदीप मिश्रा जी चले गए हैं घर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भीड़ भाड़ में सब इसी में ज्यादा भर जाएंगे, वहाँ वहाँ फिर कसी कसा हो जाएगा। रोड में भी तो निकलना है, रोड में भी तो निकलना है। पापा कहाँ हैं?
संडे की वजह से ज्यादा भीड़ है फ्रेंड, बहुत ज्यादा। देखिए जिसको जहाँ जगह मिला था वहीं बैठा था प्रवचन सुनने के लिए। बहुत ज्यादा घबरा गया है फ्रेंड मेरा बेटा, इतना भीड़ में पहली बार आया है। चलो आगे बलून है आगे। ये आए हैं लोग बेचने वाले। हाथ छोड़ना मत किसी भी हालत में किसी का। सुनीता विश्वकर्मा जी हाउसिंग बोर्ड से आपके कार्यालय में सुधार कर रही हैं। सुनीता विश्वकर्मा जी हाउसिंग बोर्ड से संडा मुरु देख ले यहाँ उनका कपड़ा मच्छर है लड़का। ए भोले बाबा वही है भंडारा का लाइन। यहाँ भंडारा खाने के लिए लाइन लगा है फ्रेंड, भंडारक प्रसाद। बम बम भोले हर हर भोले, बम बम भोले हर हर भोले, बम हर हर निकाले जी क्या लोगे। हाँ बलून रुको यही मिलेगा। हाँ चलो 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 दिला रही हूँ। गाड़ी निकाल लिए चले तुम भीड़ रही है दूर पड़ी लेकिन खाली मिली है। देर दूर पड़ी एक किलोमीटर का अंतर पड़ी। अब मोबाइल बंद कर दीजिए नहीं तो रास्ते में गिर भी सकता है।